अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज ही बड़ी ही जबरदस्त और इफेक्टिव सी रेमेडी लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं। अच्छा जी, जो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे छाइयों के बारे में, हाइपर पिगमेंटेशन, मलाजमा, डार्क स्पॉट्स, इन सब चीजों के बारे में। छाइयाँ नॉर्मली चिक्स पे, नोज पे, अपर लिप्स के एरिया पे हो जाती हैं। ये हार्मोनल इश्यूज से भी होती हैं, एनीमिया की वजह से भी होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी से भी होती हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। फीमेल्स में तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन अब खैर मेल जो है उनमें भी होने लग गई हैं। अच्छा जी, छाइयों के लिए जितना, जिसे आप डिफरेंट टाइप के वर्ड्स लोग यूज कर रहे थे, मलाजमा भी कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी, छाइयां भी, डार्क स्पॉट, दाग धब्बे। अच्छा, आज बड़ी जबरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। सबसे पहले जो है ना, आपको दो चीजें चाहिए। आपने दो, आपको मैं मेथड बताऊंगी, आपने ये दोनों वीक में दो दफा लाजमी अप्लाई करने हैं। देखिए, छाइयां फौरन नहीं जाती और जो रेमेडीज होती हैं वो जादू नहीं करती। यह कि यूज करते रहने से ना कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा अरसा लगता है आपको, लेकिन चीजें जब प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम सारे जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए यह है कि ये होगा कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपने सब्र तहमल से रेमेडीज को यूज करते रहना, लेकिन फर्स्ट यूज के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको फर्क साफ नजर आएगा। बाकी जैसे जैसे आप हफ्ते में दो दफा यूज कीजिएगा, जब सारी स्किन आपकी बेहतर होने लग जाए, फिर वीक में एक दफा यूज करते रहिएगा, रेगुलर रहिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने दो चीजें लेनी है, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून लेना है आपने चावलों का आटा, ठीक है जी, और इसके अंदर तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना वो लेमन जूस डाल देना। अच्छा जी, जो लेमन होता है वो होता है एसिडिक, ठीक है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि जी लेमन जो है स्किन को नुकसान देता है, लेमन स्किन को बिल्कुल नुकसान नहीं देता, लेमन स्किन के लिए बहुत अच्छा। बस आपने ये ख्याल जरूर रखना है कि जिनकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है या जिन्हें एक्नी का प्रॉब्लम है, वो लेमन ना लगाए, वो इसके अंदर दूध या अरके गुलाब मिला के लगा लें, ठीक है जी। ये देखें, 1 टेबल स्पून थे तकरीबन राइस, ठीक है जी। 1 लेमन जो पूरा एक लीमू है वो आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। 2 से 2.5 चम्मच वो जो है ना लेमन का जो है वो पानी बनेगा, ठीक है जी। आपने इस मिक्सचर को लेके ना, मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। ये आपने उन एरियाज पे लगाना है जहां जहां पे आपको जो है ना छाइयों का मसला है, आपको जो है दाग धब्बे हैं, जो भी आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके से आपने नरम हाथों से मसाज करना है, क्योंकि जो चावलों का आटा होता है इसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप ज्यादा जोर से इसका मसाज करेंगे तो फिर आपकी स्किन पे रैश भी हो सकते हैं। सॉफ्ट हाथों से आपने इसका मसाज इस तरीके से करना है, 10 मिनट के लिए स्किन पे छोड़ना है और उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है जी। मैं इसको वॉश करती हूँ और फिर सेकेंड मेथड आपको बताती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने चावलों का आटा और जो लेमन का मिक्सचर बनाया था, जब वो फेस पे लगाना है, सबसे पहले अपने आपने अच्छी तरह अपने फेस को वॉश करना है, किसी भी अच्छे सोप आप यूज करते हैं या फेस वॉश उसके साथ, फिर आपने वो चावलों का जो आटा और लेमन का मिक्सचर बनाया वो लगाना है। एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है या एक्नी है तो लेमन नहीं डालना, अगर आपको दूध सूट करता है वो डाल लें, अरके गुलाब सूट करता है वो डाल लें। 10 मिनट फेस पे छोड़ के फिर आपने फेस को करना है वॉश। उसके बाद एक हम ना बहुत अच्छा सा मास्क बनाएंगे, उसके लिए भी हमें चाहिए चावलों का आटा 1 चम्मच, ठीक है जी। दूसरी चीज इसमें जाएगी, इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, ये है जी संजल पाउडर, ये देखें। ये आपको किसी भी मार्ट से मिल जाएगा, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। संदल वुड पाउडर जो होता है ना, ये वो है छोटी आधी चम्मच, ये वाली 1/2 टीस्पून आपने ये डालना है और इसके अंदर आपने तकरीबन जो है ना वो 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना, ये देखें, ये जो है ना दूध डाल देना, ठीक है जी। इसे वो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा जी, देखें, इसके अंदर 1 टेबल स्पून गया था राइस फ्लावर, उसके बाद इसके अंदर आधी चाय की चम्मच जो है वो सैंडलवुड पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून डाला है दूध, और इस तरह का मिक्सचर एक रेडी हो गया, ठीक है। आपने ये वाला पेस्ट भी उठा के इस तरह जहां जहां आपके छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं फेस पे, जहां भी वहां आपने लगा के ना, इसको भी आपने स्क्रब की तरह हल्के हाथों से अच्छे तरीके से ना इसका भी आपने करना है मसाज, ठीक है जी। ये देखें, इस तरीके से आपने स्किन पे सॉफ्ट हाथों से मसाज करना है और इसे आपने अपनी स्किन पे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर इसको जो है ना नॉर्मल पानी से वॉश करना है। अच्छा जी, इन दोनों के ये फायदे हैं, जो चावलों का आटा है ना उसका आप मैजिक देखेंगे अपनी स्किन के ऊपर। चावल आम नॉर्मल ले लें, घर में जो चावल होते हैं उसे किसी भी जो ड्राई मिल आपके उसमें पीस लें और छान के रख लें, फाइन पाउडर बना लें, लेकिन फिर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए जो चावलों का आटा होता है उसका हल्का सा मसाज करना होता है। ये दोनों रेमेडीज, मेरी अम्मी को छाइयों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, हार्मोनल इश्यूज की वजह से एक दो उनके मसले थे, लेकिन ये दोनों रेमेडीज वो लगाती हैं, और पहले स्टार्ट में जब उन्हें ज्यादा हो गई थी तो ये वीक में
दो दफा लगाती थी, आजकल वीक में एक दफा लगाती है, लेकिन अब आपने देखा है उन्हें कि ना होने के बराबर है, कहीं कहीं थोड़ा सा कोई स्पॉट फील होता है। ये दोनों रेमेडीज बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है जी, इससे आपकी छाइयां ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। आपकी जितनी मुलाजमा स्किन इशूज जितने डार्क स्पॉट्स हैं, दाग धब्बों के निशान है, चिकन पॉक्स से अक्सर निशान रहते हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि चावलों का आटा जादू का काम करेगा। सैंडलवुड पाउडर बहुत ही अच्छा, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, ठीक है जी। दूध आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा, जिन लोगों को दूध नहीं सूट करता वो अरके गुलाब डालें, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी। उसके बाद जिनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है या एक्नी है, बार बार बता रही हूँ, आपने लेमन नहीं डालना, अरके गुलाब या दूध डालना है। ये दोनों रेमेडीज आपने हफ्ते में दो दफा यूज करनी है, अच्छे तरीके से फेस को वॉश करना है। पहले जो है आपने चावलों का आटा और लेमन वाला बना के लगाना है 15-20 मिनट के गैप से, फिर आपने ये वाला जो मिक्सचर है ना ये बना के लगाना है। जब ज्यादा प्रॉब्लम हो वीक में दो बार लगाए, जब आपकी प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाए तो फिर आपने रेगुलरली हफ्ते में एक दफा सिर्फ इन चीजों को अप्लाई करना है। पहली दफा के इस्तेमाल से ही आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देखेंगे, आपको ये रेमेडीज बहुत 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 ज्यादा पसंद आएंगी। आप हमें अपना फीडबैक भी दीजिएगा, इसे यूज भी कीजिएगा, ठीक है जी। और हमारे घर में पर्सनल अम्मी का एक्सपीरियंस है, वो आज मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है जी। आई होप आपको हमारी आज की रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह किसी बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।